जो सब काम करे वो नहीं, जो नहीं काम करे हमें वो करना चाहिए। लेकिन रिटेल में एचआर इज अ क्वाइट डिफरेंट जॉब। रिटेल इंडस्ट्री जो है ना वो एक्सट्रोवर्ट एक प्लेटफॉर्म है, जो इंट्रोवर्ट पर्सनालिटीज में कुछ लोग होते हैं तो वो उसको सस्टेन नहीं कर पाते उस फ्लोर को। एक तो टाइम मसला भी है, आपके आने का टाइम होता है, जाने का टाइम नहीं होता। हार्डीज में बर्गर्स के फ्लोर्स पे भी काम किया है, देन निशात में कपड़ों के फ्लोर्स पे भी काम किया है, सो मैंने खुद ऑपरेशंस में भी काम किया। इस इंडस्ट्री के कोई इंस्टीट्यूशन नहीं है, सो इसमें मोस्ट ऑफ द टाइम आपको पर्सनल डेवलपमेंट में भी अपने ऊपर काम करना पड़ता है और प्रोफेशनल डेवलपमेंट पे भी। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعليه بقدر حسنه و جماله و نوره و کماله। السلام علیکم دوستو, حسن رضا آج ایک دفعہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ دوستو اب تک کی کوپریشن اور اب تک کی اپریسیشن کا بہت بہت شکریہ۔ دوستو آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ٹاپک یہ ہے کہ جو خواتین ریٹیل سیکٹر میں अपना प्रोफेशन स्टार्ट करना चाहती हैं और रिटेल सेक्टर को अपना पैशन बनाना चाहती हैं, रिटेल सेक्टर में आना चाहती हैं, किस तरह से क्या स्ट्रेटजी होगी कि वो किस तरह से इस काम को स्टार्ट कर सकती हैं। दोस्तों इस इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने के लिए, यानी कि रिटेल सेक्टर में आपने जगह कैसे बनानी है और आपने कामयाब कैसे होना है और किस किस्म के चैलेंजेस का आपको सामना करना पड़ सकता है और उन चैलेंजेस को किस तरह फेस करना है, जी हाँ ये है हमारा टॉपिक। इस टॉपिक पे बात करने के लिए हमने दावत दी है वन ऑफ द सीजन एचआर प्रोफेशनल ऑफ पाकिस्तान। दोस्तों इनका नाम है अमारा अब्बास। अमारा अब्बास is currently working as a manager HR at Dawnbed. Amara इससे पहले काफ़ी इदारों में काम कर चुकी हैं। रिटेल सेक्टर में इनका बड़ा नाम है, हार्डीज में इन्होंने काम किया है, इसके अलावा इन्होंने निशात लिनन में काम किया है, एच के वी में, बी स्ट्री में। तो मुझे लगा था कि शी इज़ अ परफेक्ट मैच फॉर दिस टॉपिक। आइए मिलते हैं Amara अब्बास से और जानते हैं उनका एक्सपर्ट ओपिनियन अबाउट दिस टॉपिक। थैंक यू वेरी मच Amara फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे एंड आई एम सुपर एक्साइटेड कि आज आप हमारे साथ हैं। वेलकम ऑन बोर्ड। थैंक यू सो मच हसन फॉर इनवाइटिंग मी स्पेशली इन दिस प्लेटफॉर्म इन और कासे मलेशिया फाउंडेशन। Amara, आई एम श्योर अबाउट इट कि आज का जो हमारा सेशन है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग सेशन है और यूनिक इन अ सेंस ये है कि जो आज का हमारा टॉपिक है कि जो खवातीन रिटेल सेक्टर में अपना नाम बनाना चाहती हैं, काम स्टार्ट करना चाहती हैं, उसको एज ए प्रोफेशन बनाना चाहती हैं, वो किस तरह से कर सकती हैं। माशाल्लाह आपका बड़ा ज़बरदस्त एक्सपीरियंस है, आपने हार्डीज में काम किया, आपने एच के बी में काम किया, बी स्ट्री में माशाल्लाह जो है वो आपने जॉब की, निशात लिनन एक बहुत बड़ा ब्रांड है वहाँ काम किया। तो ये रिटेल स्लैश एच आर में आना बाई चांस था या बाई चॉइस था? नहीं, एक्चुअली जब मैंने इसमें रिटेल के अंदर जब जंप इन किया था, इट्स लाइक 2005-07 के अपने क्रिटेनियर में, और उस टाइम रिटेल का इतने जो था वो मार्केट में इतनी नो हाउ नहीं थी एंड द फीमेल्स यूजुअली आर नॉट विलिंग कि हम इस फील्ड के अंदर काम करें। सो ये मैंने बाय चॉइस इस फील्ड को लिया था कि और मेरे माइंड में एक पॉइंट था कि दुकान शॉप्स पर कैसे काम करते हैं, वहाँ से बेसिकली मैंने अपना एक गोल सेट हुआ हुआ था मेरा कि मैंने इसी इंडस्ट्री में जंप करना है, कि जो सब काम करे वो नहीं, जो नहीं काम करे हमें वो करना चाहिए। तो इट्स लाइक के राइट नाउ 12 से 15 साल हो गए हैं मुझे इस इंडस्ट्री को सर्व करते हुए और हर तरह के जो प्रोडक्ट्स लॉन्चिंग से रिलेटेड ब्रांड्स रही हैं उनके साथ मैंने ओवरऑल काम किया है। एंड यस, एचआर को इसलिए चूज़ किया क्योंकि एक तो ये फील्ड भी एक फीमेल्स के लिए थी एक अच्छी होती है, लेकिन रिटेल में एचआर इज़ अ क्वाइट डिफरेंट जॉब, इट्स नॉट अ टेबल चेयर जॉब फॉर द फीमेल्स। सो ये एक थोड़ा चैलेंजिंग था एंड आई लव चैलेंज वर्क, सो बाय पैशन आई सेलेक्टेड दिस रिटेल इंडस्ट्री। बिल्कुल सही। अच्छा, रिटेल सेक्टर तो ज़्यादातर लोगों की कोशिश होती है कि यार हम तब जाएं जब हमें कहीं कोई और अपॉर्चुनिटी ना मिले, ये पहले ही लोग सोचते थे, लेकिन अब तो खैर माशाल्लाह लोग जो हैं वो जा भी रहे हैं और रिटेल सेक्टर हमारा बड़ा अच्छा प्रोग्रेस भी कर रहा है।
तो फीमेल्स को आप क्या समझती हैं कि किस किस्म की मुश्किलात का पर्टिकुलरली सामना करना पड़ता है रिटेल सेक्टर में, जब हम बात करें स्टोर्स की, जब हम बात करते हैं शॉप्स की, जब उनकी ब्रांचेस की, तो व्हाट डू यू थिंक दैट व्हाट काइंड ऑफ चैलेंजेस दैट दे हैव टू फेस? बेसिकली रिटेल इंडस्ट्री जो है ना वो एक्सट्रोवर्ट एक प्लेटफॉर्म है, जो इंट्रोवर्ट पर्सनालिटीज़ में कुछ लोग होते हैं तो वो उसको सस्टेन नहीं कर पाते उस फ्लोर को। और अगर ऑल ओवर द वर्ल्ड आप इस इंडस्ट्री को देखें तो ये एक यही चीज़ है कि आपने एक्सट्रोवर्ट रहना है, बिकॉज़ आपको रोज़ एक नए बिहेवियर से बात करनी है। तो जो एशियंस फीमेल्स जो आती हैं जब इस फील्ड में, तो यूजुअली वो इंट्रोवर्ट होती हैं। लाइक घर में वो माहौल नहीं है, ठीक है, बाहर निकलना है तो नीड बेस्ड निकलना है, टारगेट बेस्ड नहीं, गोल बेस्ड नहीं निकलना, तो वो उस। और दूसरा मेन पॉइंट कि ये मेल डोमिनेंट इंडस्ट्री है, लाइक मेल्स बहुत ज़्यादा इसमें काम करते हैं, तो वो एक थ्रेट वो भी एक रहता है। सो इसके अंदर अपने आप को कैसे मोल्ड करके आपने उसको चलाना है, तो मेन जो है ना वो फीमेल्स को यही एक थ्रेट रहता है। तो यूजुअली फीमेल्स जो होती हैं वो इसके अंदर से क्विट कर जाती हैं, बिकॉज ऑफ द एक तो टाइम मसला भी है, आपके आने का टाइम होता है, जाने का टाइम नहीं होता। वेदर यू आर वर्किंग इन द बैकग्राउंड, आप बैक ऑफ द ऑफिस काम करें या फ्रंट ऑफिस पे काम करें, तो इस तरह के भी फीमेल्स को इश्यूज आते हैं। प्लस बहुत सी फीमेल्स हैं वो अभी इसको टारगेट नहीं बना रही, एक अपना एक इंडस्ट्री, इस इंडस्ट्री को एक गोल नहीं बना रही, तो उस वजह से भी उनको फेस होता है। थर्ड पॉइंट ये होता है कि चूंकि मेल डोमिनेंट इंडस्ट्री है तो वो मेल्स का इतना प्रेशर जो है ना वो नहीं बर्दाश्त कर पाती उनके चीज़ें, तो ये कुछ इश्यूज हैं जिसकी वजह से फीमेल्स जो है ना वो इतना विलिंगली इसमें काम नहीं कर रही। सही। अच्छा, हमारा जब हम आपके साथ ये सेशन प्लान कर रहे थे तो पीपल आर फॉलोइंग अस ऑन लिंक्डइन, यूट्यूब एंड फेसबुक, कासिम अली शाह फाउंडेशन का जो हमारा पेज है, हमारे पास डिफरेंट क्वेश्चंस जो हैं वो रिसीव होते हैं। तो हमारा द वन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लाइक टू आस्क ऑन द बिहाफ ऑफ आवर फॉलोवर, उनका एक क्वेश्चन ये था कि रिटेल सेक्टर में व्हाट डू यू थिंक दैट कि गुड लुकिंग होना ज़रूरी है, टॉक्टिव होना ज़रूरी है। वो लाइक टू आस्क बिकॉज आई थिंक दैट उनका जो क्वेश्चन है रिलेटेड टू उन ख़वातीन हैं जो कि ब्रांड एम्बेसडर्स होती हैं, जो कि प्रमोटर्स होती हैं स्टोर्स पे, तो आपके इसके बारे में क्या ख्याल है? एक कह सकते हैं कि इसका 10% तो होता है इस चीज़ का कि आप, लेकिन उसका बेसिकली रंग से, टॉकेटिव से या एजुकेशन से उस तरह नहीं होता। मेन चीज़ ये होती है कि हाउ यू मेंटेन योरसेल्फ अकॉर्डिंग टू द एनवायरनमेंट ऑफ द ब्रांड, कि ब्रांड एक्चुअली क्या चाह रही है आपसे। अदरवाइज़ उसके लिए आपको ज़रूरी नहीं है कि आप खूबसूरत हों, आप टॉकेटिव हों, आप हों, बस मेन चीज़ जो अगर जितना भी मैंने काम किया है, विच आई स्टडीड इट, कि जो ब्रांड चाहती है कि वो इस तरह अपने आप को शो कराना चाह रही है, तो आपको फिर वो अपने आप को वो मोल्ड करना पड़ता है। सो मेंटेन योर पर्सनैलिटी अकॉर्डिंग टू द ब्रांड, तो उसके लिए मेरे नहीं ख्याल से कि ये सब चीज़ों की ज़रूरत होती है। आप एक दफ़ा उसमें जाते हैं तो आप वैसे ही मोल्ड हो जाते हैं। तो खूबसूरत होना और टॉकेटिव होना ये तो वो कंपनी खुद भी सिखा देती है, लेकिन मेन चीज़ ये होती है कि जो ब्रांड है वो आपसे चाह क्या रही है, आप उसके अंदर अपने आप को उस तरह मोल्ड करेंगे तो आप खुद ही वैसे ही हो जाते हैं। तो वो मेन फोकस सिर्फ यही होना चाहिए कि जो ब्रांड की डिमांड है आप सिर्फ वही पूरी करें। सही। अच्छा, हमारा 15 साल हो गया माशाल्लाह आपको रिटेल सेक्टर में, मैंने भी बड़ा अरसा रिटेल सेक्टर में काम किया। व्हाट डू यू थिंक दैट के क्या पाकिस्तान में कोई ऐसा इदारा है जो कि रिटेल की ट्रेनिंग करवा रहा है? नहीं, अभी मैंने नहीं देखा ऐसा। बेसिकली जब आपने करियर स्टार्ट किया होगा या जब मैंने स्टार्ट किया होगा, उस टाइम भी हमें कोई गाइडेंस करने वाला कोई भी नहीं था। हम वो लोग हैं जिन्होंने बेस से सारा स्टार्ट किया है। स्टार्टेड माई जॉब एज एन ऑफिसर, और मैंने इट्स लाइक के हार्डीज में बर्गर्स के फ्लोर्स पे भी काम किया है, देन निशात में कपड़ों के फ्लोर्स पे भी काम किया है। सो मैंने खुद ऑपरेशंस में भी काम किया है। तो अभी तक रिटेल को स्पेसिफिकली फोकस नहीं किया जा रहा। और अगर आप देखें तो कितनी जल्दी और कितनी तेज़ी से ये इंडस्ट्री जो है पाकिस्तान में आनी शुरू हो गई हुई है। सो हर आप देखें, हर 6 महीने के बाद आपको एक नाम या आ जाता है कि फ़लाँ ब्रांड लॉन्च हो रही है, फ़लाँ ब्रांड लॉन्च हो रही है, लेकिन वो उसका बैकग्राउंड कहीं भी गई नहीं है। सो इसके अंदर थोड़ा सा फ्लॉ ये भी आ रहा होता है कि लोग राइट पीपल राइट जॉब के लिए ना वो सर्च आउट नहीं करते। जब पर्सन जो भी है उसको बस डाल देते, फिर से नए HR का डाल दो, अगर मार्केटिंग का मार्केट, बट इफ़ दे डोंट हैव अ बैकग्राउंड ऑफ स्पेसिफिकली दैट फ्लोर,
तो वो आपको सस्टेनेबिलिटी में नहीं आती। तो इस तरह के कोई इदारे भी नहीं हैं यहाँ पे, कोई इंस्टीट्यूशंस भी नहीं है, और बहुत से ऐसे लोग जो कि यहाँ तक आ गए हैं, जो 15-20 साल लगा चुके हुए हैं, उनको भी फ्रंट एंड पे नहीं लाया जा रहा। एक और बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारा, हमने देखा है कि बहुत सारे हमारे ऐसे लोग जो रिटेल सेक्टर में काम करते हैं, एम्प्लॉयज़, वो एक लेवल तक तो उनकी ग्रोथ होती है, लेकिन फिर उनकी ग्रोथ रुक जाती है। आप क्या समझती हैं कि व्हाट इज़ द मेन रीज़न? क्या क्वालिफिकेशन मेन रीज़न है या उनका अपना एटीट्यूड? इसमें बेसिकली ये होता है कि आपको, चूँकि अब इस इंडस्ट्री के कोई इंस्टीट्यूशन नहीं है, सो इसमें मोस्ट ऑफ द टाइम आपको पर्सनल डेवलपमेंट में भी अपने ऊपर काम करना पड़ता है और प्रोफेशनल डेवलपमेंट पे भी। तो यूजुअली अब जैसे मैं अगर अपने करियर की बात करती हूँ, तो मैंने अपने स्टडीज़ को साथ साथ अलाइन रखा है, वेदर वो ऑनलाइन मुझे पढ़ना पड़ा या मुझे बाहर से किसी से गाइडेंस लेनी पड़ी, लेकिन उसके अंदर मुझे साथ साथ अपने पर्सनल डेवलपमेंट के ऊपर भी काम करना पड़ा। मेन सिर्फ मसला यही है कि जब आपका फोकस नहीं है ना, तो फिर आप जो नीड बेस्ड जो भी काम करते हैं, तो इस इंडस्ट्री में फोकस्ड होना बड़ा ज़रूरी है। अगर हम जैसे लोग यहाँ तक आ चुके हुए हैं तो कोई भी आ सकता है, उसमें कोई मसला नहीं है। लेकिन बात सिर्फ यही है कि ये वो जॉब है कि जो टेबल चेयर की नहीं है, एंड पीपल यूजुअली वांट के हम आए तो हमें टेबल चेयर मिले। ये इंडस्ट्री कहती है कि आपने जब आना है तो आपने सबसे पहले अपना ऑपरेशंस को जाकर देखना है, जो कि 8-9 घंटे खड़े पांव वाला काम है, तो वो यूजली लोग उसको फोकस नहीं करते। तो पर्सनल डेवलपमेंट के ऊपर लोग जो हैं वो उसको, मेन चीज़ यही है, अगर आप पर्सनली टारगेटेड है तो फिर आपको प्रोफेशनली कोई मसला नहीं होता। बिल्कुल सही। हमारा आपने इतने इंटरव्यूज़ किए हैं माशाल्लाह, 15 साल में आपने बहुत सारे लोगों की हायरिंग की, आप कौन सी ऐसी 3 ऐसी क्वालिटीज़ हैं जो कि कैंडिडेट में देखते हैं और आप समझते हैं कि अगर ये होंगी तो मैं इसको रखूँगी? गोल ओरिएंटेड एंड फोकस्ड and willing to work. बिल्कुल सही। हमारा इतना अर्सा हो गया है माशाल्लाह HR में और बड़े बड़े इदारों के साथ काम किया, यूनिवर्सिटीज़ के साथ भी आप डिफरेंट जगहों पे एज ए लेक्चरर भी रहीं, करियर काउंसलिंग के सेशंस भी आप करते हैं। What do you think that कि अभी भी कॉर्पोरेट और एकेडमिया का गैप है? अगर है तो क्या आप सजेशन देना चाहेंगी एकेडमिया को? अभी बेसिकली यस, ये गैप्स तो है इसके अंदर, लेकिन ये है कि हर इंडस्ट्री के एक अपने नॉर्म्स हैं, अपना बिहेवियर्स है, एक अपने टारगेट्स हैं, उस बेस के ऊपर स्टूडेंट्स को बताना बड़ा ज़रूरी है कि हर इंडस्ट्री और हर डिपार्टमेंट, और डिपार्टमेंट इंडस्ट्री वाइज जो है ना वो डिफरेंट है। सो स्टूडेंट्स को ये नॉलेज होना बड़ा ज़रूरी है इन चीज़ों के अंदर कि वो एक्चुअल में करना क्या चाहते हैं। अगर वो HR पढ़ रहे हैं या मार्केटिंग पढ़ रहे हैं तो वो किस इंडस्ट्री में जाके इसको फ्लोरिश करना चाहते हैं, तो वो यस, ये स्टूडेंट की गाइडेंस के लिए बड़ी ज़रूरी है। सो यूनिवर्सिटीज़ को ये भी बड़ा क्लियर होना चाहिए कि वो किस चीज़ के लिए उनको ट्रेन कर रहे हैं। थैंक यू वेरी मच। हमारा एनी फाइनल वर्ड अबाउट कासिम अली शाह फाउंडेशन, प्लीज गो अहेड। कासिम अली शाह फाउंडेशन के बारे में तो बड़ी पुराने से सुन रहे हैं हम लोग, मैंने काफ़ी देर से सर कासिम साहब को देखा हुआ है और उनको सुना भी हुआ है। सो ये तो बड़ी प्रिविलेज की बात है कि आज मुझे इस प्लेटफॉर्म पे बुलाया गया है। सो एक दफ़ा फिर थैंक यू करूँगी आप सबका कि आप लोगों ने मुझे इस काबिल समझा कि मैं इस प्लेटफॉर्म पे आके अब कुछ बोल सकूँ। बहुत शुक्रिया आप लोगों का ही, बहुत शुक्रिया आज के एपिसोड देखने का। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज के एपिसोड आपको पसंद आई होगी। अमारा अब्बास जो कि मैनेजर HR हैं डॉन बेट में, वो हमारे साथ थे, उन्होंने हमें बताया कि जो खवातीन रिटेल सेक्टर में आना चाहती हैं और अपना प्रोफेशन रिटेल को बनाना चाहती हैं वो किस तरह से बना सकती हैं। दोस्तों अपना फीडबैक हमसे ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि हम भी इम्प्रूव कर सकें। दुआओं में याद रखिएगा, इंशाल्लाह अनकरीब एक नए गेस्ट नए टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होऊंगा। टेक केयर, बाय बाय।